सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ और सभी स्तुति कल श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। ये आज का काव्य सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मंच जो हम सबने एक नई स्फूर्ति दे रहा है, मैं सबसे पहले इसके आयोजकों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हर जगह से भारत, नेपाल और भूटान से यहाँ पर लोग आए और तरह तरह के अपने इस बाग में तरह तरह के फूल से दिन है। मैं चाहूंगा एक बार जोड़ा तालियां सभी को। रोको मत उड़ान पर हो, रोको मत उड़ान पर हो, पीए बनकर कमाल पर हो, कमाल है तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं, चुभ रहा हूँ सबकी जुबान पर हूँ, चुभ रहा हूँ सबकी जुबान पर हूँ और मैं अपने आप को कफन में समेट सकता हूँ, मैं अपने आप को कफन में समेट सकता हूँ, कहीं भी चिता सजा दो मैं लेट सकता हूँ, कहीं भी चिता सजा दो मैं लेट सकता हूँ। और एक रचना, अभी समाज में बहुत से हादसे हो जाते हैं, पिछले कोरोना के समय की बात है, कोशिश की लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन कहीं कहीं हम भी हार गए। तब ये रचना आई, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के सामने आज ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनाना चाहता हूं। काश कुछ ऐसा हो पाता, काश कुछ ऐसा हो पाता, अपनी जिंदगी से कुछ लम्हे दूसरों को दे पाता, कम हो जाती मेरी जिंदगी और वो जीत जाता, रुदन देख कर कलेजा फट जाता है, जवान बेटा जब दम तोड़ देता है पिता की गोद में, विरक्ति माँ को कौन संभाल पाएगा, अब उसका लाल कभी वापस नहीं आएगा। जाना सभी को है, जाना सभी को है, पर समय से जाना ठीक होता है। पूछता हूं तुमसे तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके, और एक कवि है जो भगवान से प्रश्न कर सकता है, तो मैंने प्रश्न किया है कि पूछता हूं तुमसे तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके, तुम मौन क्यों हो, क्यों पूछे तुम्हें, आदमी की जिंदगी से क्यों खेलते हो, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा मेरे करुणा निधान। कहीं दूर से एक आवाज आई, कहीं दूर से एक आवाज आई, मत ताको तुम आसमान अपने अंदर झाड़ो, मत ताको तुम आसमान अपने अंदर झाड़ो, स्वार्थ की गर्द झाड़ो, नफरत की धूल हटाओ, हो सके तो मदद को हाथ बढ़ाओ। मत ताको तुम आसमान अपने अंदर की गर्द को झाड़ो, स्वार्थ की गर्द को झाड़ो, नफरत की धूल हटाओ, हो सके तो मदद को हाथ बढ़ाओ। जो हो रहा है सब तुम्हारी करने का फल है, खैर मनाओ अभी तुम्हारे पास जल है, खैर मनाओ अभी तुम्हारे पास जल है, संभलने के लिए कल है, आज से अपनी भूल सुधारो, अपने दिल में इंसानियत पालो, प्रेम की अलग जगाओ, ऑक्सीजन खूब मिलेगी बस थोड़े पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन खूब मिलेगी बस थोड़े पेड़ लगाओ, जल की बर्बादी रोको, जो ऐसा करे उसको रोको, मंदिर का घंटा नहीं किसी जरूरतमंद की घंटी बजाकर उसकी मदद करो, अपने माँ बाप की सेवा में जब अपना ध्यान लगाओगे इस तरह की महामारी से तुम बच जाओगे, इस तरह की महामारी से तुम बच जाओगे। और एक छोटी सी और रचना दे रहा हूं कि बेटी और बेटे में जो भेद कर रहे अपने ही दिल में वो छेद कर रहे, बेटी और बेटे में जो भेद कर रहे अपने ही दिल में वो छेद कर रहे, मानसिकता अपनी बदल डालो, बेटी और बेटे को साथ पालो, घर बेटे हैं चिराग तुम्हारे घर में, बेटियां हैं रोशनी तुम्हारे कुल की, उन्हें भेदभाव की जंजीर में ना बांधो, दोनों साथ बढ़े ऐसा माहौल दो।
कंधे से कंधे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी बेटियां, जंग के मैदान में लड़ी बेटियां, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी बेटियां, जुल्म के खिलाफ हरदम खड़ी बेटियां। नादान है जो कोख में इन्हें मारते, नादान है जो कोख में इन्हें मारते, अपने हाथों से अपनी किस्मत हारते, न मिलता उन्हें जिंदगी भर सकून, बेटी को बेटे से जो कम आते, बेटी को बेटे से जो कम आते। दोगी पतली रीति पड़ी गे कहले ने देखी, कहले ने देखी, कहले ने जानी हो, इतिहास बन गई कहले ने देखी, कहले ने देखी, कहले ने सुनी हो, कहले ने सुनी हो। जब तू का खान में, जब तुम कानू में कोयली बसेली, कहले ने सुनी, कहले ने सुनी, कहले ने जानी हो, कहले ने जानी हो। कहें जैसे तुम कहानी कह सुनी, कहले ने सुनी, कहले ने जानी हो, पहली रीति पड़ी गे कहले ने देखी, कहले ने देखी, कहले ने जानी हो, कहले ने जानी हो। साहित्य महासम्मेलन तथा अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी प्रजागाशी का प्रमुख अतिथि वरिष्ठ कवि कान्तज्यू, त्यसै गरी यस यो यत्रो सम्मेलनको अन्तर्राष्ट्रिय कवि गोष्ठीको आयोजक संस्था राष्ट्रियता संरक्षण अभियानका अभियन्ता संयोजक अध्यक्ष आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार हेमबाबु लेखकज्यू र यो यत्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको पर्वतको रूपमा, मुख्य पर्वतको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने
कैलाशैली गाँव पालिका परिवार सहित आदरणीय अध्यक्षज्यू वरिष्ठ कवि डॉक्टर अवस्थीज्यू डॉक्टर आनंद सर लगाय रमेश पन्तज्यू आदरणीय उषामान लगायत यो यहाँ उपस्थित हुनुभएको आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगतबाट महाभारत संस्था सुदर्शनाचल साहित्य समाज सुदर्शनाचल लगायत अन्य संस्थाहरूबाट यहाँलाई सन्ध्याकालीन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यति महत्त्वपूर्ण यो सम्मेलन अनि यो काव्यगोष्ठीको मात्र नभएर यो एउटा सम्रवती सभ्यता अघि हामी जुन सुरु गर्न सक्दै देख्यौँ विभिन्न सत्रहरू भए ती सत्रमध्ये यो काव्य सन्ध्या सत्रको यो सभापतिको समेत भूमिका भूमिका सहित सम्मान समेत यहाँले मलाई प्रदान गरेकोमा महाराष्ट्रिय राष्ट्रिय संरक्षण अभियान सहित आफ्नो जिल्ला सहित गाउँपालिकाका परिवार आदरणीय अध्यक्षज्यू अत्यन्त प्रकारको श्रोता पनि हुनुहुन्छ उहाँप्रति म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो यो कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ, हामी थाहा छ, हामीलाई सबै थाहा छ यो के अरे कुनै पनि देश अथवा एउटा खालको सभ्यतालाई ध्वस्त गर्नका निमित्त कुनै पनि भाषा साहित्य कला संस्कृतिमाथि प्रहार गरिदियो भने सजिलोसँग ध्वस्त हुन्छ। यति राम्रो हाम्रो यो अभियानमा लागेर म अरू मात्र खोज्नुहुने आदरणीय हिम्बाबु लेख्नुज्यूलाई जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ। त्यसमा सुन्न स्वतन्त्र आदरणीय दिलाश्रेणी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू जो अत्यन्त सकारात्मक सोचका धनी हुनुहुन्छ, यस्तो यो भाषा साहित्य कला संस्कृतिमा यसरी यो एउटा खालको परिवर्तनको रूपमा लगानी गरेर यो खालको माहौल सिर्जना गरिदिनु भएको म उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू सबैले ताली बजाउन उहाँहरू यो परिवारलाई सम्मान गर्नु म व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै प्रार्थना गरिकन एउटा मुक्त र एउटा गजल सुन्न चाहन्छु। स्वाभिमानका खातिर चेतनाको बिउ छरे समृद्ध बन्छ देश, स्वाभिमानका खातिर चेतनाको बिउ छरे समृद्ध बन्छ देश, अल्छी नबनी सबैले मेहनत गरे समृद्ध बन्छ देश। सम्भावनाको खानी आफैभित्र कस्तुरी झैँ भौतारेका छौँ, सम्भावनाको खानी आफैभित्र कस्तुरी झैँ भौतारेका छौँ, आफ्नो देश आफै बनाऊ अर्काको भर नपरे समृद्ध बन्छ देश भन्दै मेरो एउटा पुरानो अलिक पुरानो गजल म गुनगुनाउन चाहन्छु, स्वीकार होला। भनेनौ तिमीले कहानी मलाई, भनेनौ तिमीले कहानी मलाई, बनायो जलाई खरानी मलाई, बनायो जलाई खरानी मलाई, कसोरी गुजारा अगाडि धकेलौ, कसोरी गुजारा अगाडि धकेलौ, कसोरी गुजारा अगाडि धकेलौ, तिरेनौ पुरानो लगानी मलाई, सुनेथे तिमीले जितेको कहानी, सुनेथे तिमीले जितेको कहानी, सुनेथे तिमीले जितेको कहानी, सुनायो र मिठो नमानी मलाई, उडायो खिसी पुस्तका माझ पारी, उडायो खिसी पुस्तका माझ पारी, लगेछौ नछोडी निशानी मलाई, भन्नुभएको बुझाए सबै सत्य बुझ्ने गरी नै, बुझाए सबै सत्य बुझ्ने गरी नै, बुझाए सबै सत्य बुझ्ने गरी नै, नबुझ्दै भनेछौ अज्ञानी मलाई, नबुझ्दै भनेछौ अज्ञानी मलाई भन्दै आज मुख्य प्रमुख संस्थापकले पुनः आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यही समाप्त गरेको छ। धन्यवाद।